जूनियर टीचर स्कीमेटिक जो एडवर्टाइजमेंट होता एप्लीकेशन फॉर्म रो रिसीप्ट आरंभ करिकी आम एग्जामिनेशन जाए तापर रिजल्ट बाहर ये सब प्रक्रिय आम जो परीक्षार्थी मैंने जो कम्प्लेन करुँचे परीक्षा प्रोसेस रे एसएस दर इज नो कम्प्लेन कि एप्लीकेशन फॉर्म आसला तापर परीक्षा सिक्स डेज रे विभिन्न शिफ्ट रे परीक्षा है तार रिजल्ट बाहर मोस्ट ऑफ द कम्प्लेन इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आउ जो आम डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कथा तो जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन कथार कम्प्लेन अच्छी तार दिगरे आम ऑनरेबल कोर्ट रे एफिडेविट फाइल करिछु आउ जहाँ भी कोर्ट रे निर्देश आसीबो से हिसाब रे आम पदक्षेप नबो एसा सब गुरुत्वपूर्ण कथा होची आवेदनकारी मानकर जहाँ अभियोग रहुची जे जो मैंने अधिक नंबर रखिंट से मेरिट लिस्ट रे नहांती जो मैंने कम नंबर रखिंट से मेरिट लिस्ट रे अच्छा टिके क्लीयर करेंगे कि पूरा ये कथा केते दूर ठीक बाई केमी संभव अच्छा यहाँ मुझे आगुरी कही कि अधिक मार्क रखि पाने मेरिट लिस्ट अच्छा और कम मार्क पाने सॉरी कम मार्क पाने मेरिट लिस्ट अच्छा और अधिक मार्क पाने दैट इज नॉट पॉसिबल द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि जेहेतु आम मल्टीपल डेज रे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा कराई और विभिन्न शिफ्ट रे कराई तो जब भी एमती कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए तार गोटे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करा जाए तो नॉर्मलाइजेशन रे किसी पिला जो मानकर बेसी मार्क अच्छी कमी जाए कि जहाँ कम अच्छे बढ़ी जाए तो से हिसाब से जो पिलाने हिसाब करते भावुं बोधे कहार बेसी थी मतलब मिलना बट कम पिला को मिले दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज नो अदर पॉसिबिलिटी सर मेरिट लिस्ट पाखापाखि 18,000 पिलांकर नाम बाहर 20,000 आम पोस्ट थिला ये 2,000 सर ये कौन किमती हाँ यहाँ जो आम 1200 रिजल्ट बाहर ना से एमती होता कि आप देखिए जो एडवर्टाइजमेंट होता सेमर डिस्ट्रिक्ट वाइज विभिन्न कैटेगरी वाइज सब एडवर्टाइजमेंट होता कैटेगरी वन कैटेगरी टू प्राइमरी अपर प्राइमरी ता सहित विभिन्न सोशल कैटेगरी ओपन है एससीबीसी है एससी है एसटी है फिजिकल डिजेबिलिटी है से टाइप्र एडवर्टाइजमेंट बाहर तो जो सब कैटेगरी आमको पिला मिले ना केवल तांकर ही रिजल्ट बाहरी ना बाकी समस्त रिजल्ट बाहरी तो जो वैकेंसी अच्छी दैट इज बिकज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स नॉट बिकज ऑफ एनीथिंग एल्स ओके सर गोटे बहुत बड़ कथा ये पूरा प्रक्रिया ये रिक्रुटमेंट पक्ष ईडीसीएल जोटे कि केन्द्र सरकार शिक्षा मंत्रालय अधीन एजेन्सी गोटे नवरत्न कंपानी ताकू दिया से कंपानी को दीपर मध्य राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू जो आम देखा विभिन्न प्रकार आरोप प्रत्यारोप सामना को आसूँ गोटे क्लारिटी गोटे नवरत्न कंपानी को दी जाइए भी सर केमती कथा हाँ आम एडसिल कंपनी एडसिल बोली आम भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रो गोटे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अच्छी मिनी रत्न कंपनी आउ से माने एई टाइप रो परीक्षा कंडक्ट करती तो से हिसाब से आम एटा देथुलु काम देथुलु एंड आपण मध्ये देखिथिबे तांकर क्लारिफिकेशन रे से माने मध्ये लिखिछंती कि जेमती जहाँ आसीथिला से हिसाब से माने करिछंती तो जेहेतु से माने गोटे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन सेतपे तांको काम दियाइथिला सर ये कथा बर्तन कोर्ट रे पहुंच सारी कोर्ट रे मध्ये आपणक विभाग तरफ आपण मध्ये विधिवत भाव में सत्यपाठ माध्यम रे समस्त प्रकार तथ्य उपस्थापन करिछंती कोन कहूँ सर सत्यपाठ किपर भाव में कोर्ट को आपड़ कन्विन्स करने चेस्टा कर हाँ आम जो सब मैटर रे कोर्ट आम पाखु क्लारिफिकेशन मागी थे सहीटा आम सत्यपाठ जरिए देदेचु आज आम कोर्ट रे डेट थिला और आगामी दिन में भी मैं आज डेट रे भी जहाँ इंस्ट्रक्शन अच्छे से हिसाब से अगेन वी विल प्रोवाइड इनफर्मेशन टू ऑनरेबल कोर्ट सर आम जब ये पूरा प्रक्रिया को देखा बारंबार आसूची गोटे अभियोग जे ठीक भाव यह कंडक्ट करना व्यापक भाव में अनियमितता है सर यह केदूर ठीक ये पूरा प्रक्रिया को जो पूरा आम आरंभ जी हाँ यहाँ मुझे आगुरी कही अनियमितार कौन सेमती अपॉर्चुनिटी की स्कोप किसी ना से कम्प्लीटली एवरीथिंग वाज ऑनलाइन बेस्ड आम जो पिला पाखु एप्लीकेशन फॉर्म ग्रहण कलु से ऑनलाइन माध्यम आम ग्रहण कलु आउ एप्लीकेशन फॉर्म आसला एडमिट कार्ड बाहर एडमिट कार्ड बाहर सुइटेबल एलिजिबल कैंडिडेट केवल एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन हॉल को जाइपरेंगे ना एडमिट कार्ड सहित आप गोटे आई कार्ड नहीं जी आधार हो पैन कार्ड हो कि डीएल हो जहाँ भी आई प्रूफ नहीं जी सहित एडमिट कार्ड क्रेडेंशियल मैच कलापर आपर बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट निपर आप एग्जामिनेशन हॉल को जी तो टेक्नोलॉजी माध्यम आम जी ट्रांसपेरेंट पॉसिबल हो पार तार पदक्षेप निपर छ दिन में आम कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होता ऑल कंप्यूटर सेंटर मानकर आम सीसीटीवी लगी तार कंट्रोल रूम बस पारे आम ये बसिक देखी पार्लु कौ सेंटर कौन चली सो दैट वाज ऑल्सो अगेन टेक्नोलॉजी वाज टेकिंग इनटू अकाउंट छः दिन परीक्षा है जेहतु विभिन्न डेट्र परीक्षा होता नॉर्मलाइजेशन दरकार था दैट वाज पार्ट ऑफ द रिजोल्यूशन एग्रीमेंट ऑल्सो तो आमर है नॉर्मलाइजेशन हो तार रिजल्ट आम बाहर करूँ सर ये कथा भितर गोटे कथ आसा एडमिट कार्ड आम देखी गोटे अद्भुत नाम ए जो सीटा केमती सर संभव दूर सत जदि यह सत यह कौन एभली एक आडमिट कार्ड इश्यू करा जाइथला कि ना नुहे से भले किछि
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଭରିକି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଭରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଜାଗା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡଜଣ୍ଟ କନ୍ଫର୍ ଏନି ରାଇଟ୍, ଫାଇନାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍, ନୁହେଁ, ନୋ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନୋ। ଓକେ, ଯଦି ବି ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାହାଲ ମଣ୍ଡା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର। ଓକେ, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତାର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏସ୍ ସଚ୍ ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ ଓନ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ୱି ଫିଲ୍ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆଜି ବି ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଫର୍ଦର ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍। ସାର୍, ପଲିଟିକାଲାଇଜ୍ ବାକୁ କରିବା କେତେ ଠିକ୍ ସାର୍? ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସାର୍, କେତେ ପିଲା ପାଖାପାଖି 18,000 ପିଲା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, 92,000 ପିଲା ପାଖାପାଖି ଦେଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସାର୍, କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସାର୍ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ତ 18,800 ପିଲାଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା ନା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି 20-21 ତାରିଖ ଦିନ। ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ କମ୍ପ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଟୁ ଦାଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ୱି ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡନ୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ